रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। महाराष्ट्र में शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गई है। मातोश्री में विधायकों की बैठक के बाद शिवसेना ने फैसला किया कि जब तक बीजेपी ढाई ढाई साल तक शिवसेना और बीजेपी के सीएम फॉर्मूले का लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवसेना अड़ गई है। विधानसभा चुनावों में जीत कराए सभी 56 शिवसेना विधायकों की मातोश्री में बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने साफ कर दिया कि जब तक बीजेपी ढाई ढाई साल शिवसेना और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन लिखित में नहीं देती, तब तक सरकार नहीं बनेगी। जो 50-50 का फॉर्मूला, मुख्यमंत्री पद अढ़ाई अढ़ाई साल और बाकी के खातों का बंटवारा जो तय हो गया, वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लिखित स्वरूप में आदरणीय उद्धव जी को देना चाहिए और उसके बाद में ये सरकार स्थापन होगी। मगर तब तक ये सरकार स्थापन नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो वादा पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को सीएम का चेहरा बताकर और महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी के लिए सरकार का पेच फंस गया है। शिवसेना आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अड़ गई है। शिवसेना विधायकों का दावा है कि पहले ढाई साल के लिए आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर ढाई साल तक बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। जब तक ये शर्त नहीं मानी जाती, तब तक सरकार नहीं बनेगी। को बताया ढाई साल के लिए, पहले आप में आदित्य ठाकरे साहब ही इस युवा मुख्यमंत्री इस राज्य के रहोगे और वो हमारे सब जितने हमारे विधायक हैं उनका सबका अंतिम फैसला है। सर, आपने कुछ रिटर्न में भी मांगा है बीजेपी से? हमने मांगा है, हमने हमारे नेता को ये बताया है कि इससे पहले तुम्हारा जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के हिसाब से निर्णय नहीं हुआ, इसलिए इसके बाद जो भी एग्रीमेंट होगा वो लेखी होना चाहिए। इस बीच मुंबई में आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए बधाई देने वाले पोस्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे बैनरों को उसकी दबाव की रणनीति माना जा रहा है। उसे मालूम है कि बीजेपी को झुकाने का ये सही मौका है। शिवसेना ने ढाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री पद पर दावा बोल दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन एक बात तो साफ है, शिवसेना को ये पता है कि बीजेपी कमजोर है और इसका पूरा पूरा फायदा वो उठा रहे हैं। शिवसेना फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। 9 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में जब बैठक में एक विधायक ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि हमें 9 नवंबर तक फैसला करना होगा, तो उद्धव का जवाब था, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, केयरटेकर सरकार तब तक चलती रहेगी, दावा करने की हमें कोई जल्दी नहीं है। इस बीच बयानों और कार्टूनों से शिवसेना ने एनसीपी से हाथ मिलाने के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं दो दिन पहले भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी थी। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करे। हमने महायुति में चुनाव लड़ा है, महायुति की सरकार बनेगी, संवाद होगा। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अमित भाई, उद्धव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, चंद्रकांत दादा एकत्रित बैठेंगे। आखिर जनादेश महायुति के बाजू से है तो मुझे कोई प्रश्न लगता नहीं। तेरे मेरे बीच में कैसा ही ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, हमें तुमसे प्यार कितना तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये देखो, ये बात सीधी है, महायुति की सरकार बनेगी। उधर बीजेपी ने 30 अक्टूबर को अपने 105 विधायकों की बैठक बुलाई है। विधान भवन में होने वाली बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। सोचिए, जहां पर पूरी मेजॉरिटी थी वहां पर संकट है और जहां पर पूरी मेजॉरिटी नहीं थी वहां पर शपथ ग्रहण। बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी और जेजेपी की साझा सरकार बनने जा रही है। दीपावली के दिन नई सरकार शपथ लेगी। भले ही चुनावों से पहले दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को और बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को कोसा हो, लेकिन अब दोनों एक हो गए। यही नहीं, इधर सरकार बनने का समझौता हुआ और उधर तिहाड़ जेल में बंद अजय चौटाला को 2 हफ्ते के लिए बाहर आने का फरलो भी मिल गया। कोर्ट खत्म हो गया, उनको फरलो मिल गई, छुट्टी का 14 दिन का उनका अधिकार है। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? चमत्कार तो ऐसे होते हैं कि इधर बेटे ने सत्ता की साधना की और पापा 30 घंटे के भीतर तिहाड़ से बाहर।
शपथ के लिए साफा तैयार, सत्ता का मैदान तैयार, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। परिवार के साथ अगर वो दिवाली पे आ रहे हैं तो और इस परिवर्तन की नींव के अंदर वो हमारे कंधों को ताकत देंगे तो मेरे को लगता है मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की। इसी को इंसाफ कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि भगवान के घर देर है या अंधेर नहीं है। मेरे पिताजी के बाहर आने की बात है क्योंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल खत्म हुआ है। जेल मैनुअल कहता है कि उससे पहले वो फरलो पे नहीं आ सकते थे। कोड खत्म हो गया, उनको फरलो मिल गई, छुट्टी का 14 दिन का उनका अधिकार है। अधिकार भी कमाल की चीज होती है। कब किसको कहां कैसे मिल जाए कोई नहीं बता सकता। सोचिए कि जिस अधिकार के लिए चौटाला बरसों से एड़िया रगड़ रहे थे वो हाथ मिलाने से हासिल हो गया। इधर समर्थन दो और उधर अधिकार लो, माने सारी कृपा समर्थन में ही अटकी हुई थी। प्रदेश को आगे लेकर चलना, और मैं मानता हूँ दो प्रोग्रेसिव सोच के लोग मिलकर प्रदेश को आगे लेकर। जो भी कहिए, दुष्यंत चौटाला है दिलदार आदमी, और थोड़े बहुत दिलदार नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब उनका दिल पीएम मोदी पर आया हुआ था। तारीख थी 8 मई 2019। पर बताओ मोदी जी कि क्यों भूल जाते हो कि जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात में दंगे हुए, क्या उनको न्याय दिला पाए? दुष्यंत चौटाला घूम घूम कर पूरे हरियाणा में बता रहे थे कि मोदी जी ने हरियाणा का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप प्रधानमंत्री थे, हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, एक बार भी उनकी तरफ आपने देखने का काम किया? मतलब सोते जागते उठते बैठते छोटे चौटाला मोदी जी की आरती उतारने लगते थे, प्रशंसा में ऐसी ऐसी बातें कही थी कि पूछिए मत। पंचकुला के अंदर जिस तरीके से नियत्ता डेरा भक्तों के ऊपर आपकी सरकार ने गोलियां चलवाने का काम किया, आप क्यों चुप बैठे रहे? बताओ मोदी जी। इस प्यार को विस्तार देते हुए बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को बंदर तक कह डाला था। ऐसे उद्गार पर दुष्यंत चौटाला गदगद हो गए थे और शुक्राने में अनिल जैन को ट्वीट नत्थी करते हुए बीजेपी को रावण कह दिया और खट्टर राज को लंका। अब वही बंदर और रावण वाले एक साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। कह रहे हैं कि विकास के जंगल में तुम चंदन हम पानी। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट चले, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी ने मिलकर लिया है। और बेहद खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार 5 साल हम मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम के नाते हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे इस मंत्रिमंडल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। मतलब उदारता की बारिश दोनों तरफ से घनघोर हुई है, क्योंकि ये वही खट्टर हैं जिनके बारे में दुष्यंत चौटाला का विचार था कि उनसे झूठा इंसान पूरी दुनिया में नहीं। और ट्विटर पर उनकी प्रशंसा में मनोहर लाल झूठा है नाम का पवित्र अभियान चलाया था। आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोग जो झूठी बातें कर कहीं ना कहीं हमारे बीच में बंटवारा कराना चाह रहे हैं, आज उनको जवाब दो। वोट की चोट मारकर जननायक जनता पार्टी आम आदमी के गठबंधन को ताकत। जनता को लग रहा था कि मनोहर लाल अलग हैं और दुष्यंत चौटाला अलग। वो तो वोट देने के बाद पता चला कि दोनों सियासत के सहोदर भाई हैं। सारी लड़ाई ही फर्जी थी, असली दिवाली तो इन्हीं दोनों की जिंदगी में आई। इस परिवर्तन की नींव के अंदर वो हमारे कंधों को ताकत देंगे तो मेरे को लगता है मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की। बीएड घोटाले के सजा याफ्ता चौटाला को तिहार से खास तौर पर नई सरकार को आशीर्वाद देने के लिए निकाला गया है। हरियाणा में भ्रष्टाचार से लड़ाई की असली मुहिम अब शुरू हुई है। बोलिए लोकतंत्र की जय। आज तक ब्यूरो। हरियाणा में बीजेपी के पास अब 57 विधायकों का समर्थन है, उसे अब गोपाल कांडा के समर्थन की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कह भी दिया है कि उसे गोपाल कांडा का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन कांडा समर्थन देने पर तुले हुए हैं। मैं खुद एक आरएसएस फैमिली से हूं, मेरे फादर ने 1926 में ज्वाइन की थी आरएसएस। देश का पहला आम चुनाव जनसंघ की टिकट पे लड़ा दीपक के निशान पे, जब हमारा सिरसा डब्बावाली में होता था, हरियाणा पंजाब जब एक था, और संघ चालक रहे, मतलब उसी 26 से लेके और
मतलब देश प्रेमी थे, वही मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, तो मैं तो हमेशा ही बीजेपी का मतलब जब आरएसएस का खून है। कांडा ने बीजेपी और संघ से ऐसी रिश्तेदारी निभाई थी कि राजनीति में भूचाल आ गया। सिरसा वाली एमपी साहिबा अपने साथ आदरणीय कांडा जी को चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर दिल्ली ले आई थी कि हजूर हमारी पार्टी पर कृपा कीजिए। कांडा ने कहा किया तो हमारा परिवार तो आरएसएस का है, तो मैं तो बड़ा खुश था कि मेरे समर्थन से अगर बीजेपी सरकार बने। कांडा नहीं जानता था कि नाम में कांडा लगा होने से कोई कांड का महात्मा नहीं हो जाता। उसको पता ही नहीं था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ मिलकर उसी का कांड कर देंगे। बीजेपी को भी लगा कि चलो पिंड छूटा। अभी 7 विधायकों का जो मिला है उसमें बता दिया हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक और महामंत्री जी ने कि उनका कोई समर्थन पत्र अगर मिलेगा भी तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब कमाल देखिए कि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कांडा का समर्थन नहीं ले रहे हैं। कांडा ने कहा ऐसे कैसे नहीं लेंगे, हम तो देंगे। और आप तो जानते हैं कि मुफ्त में मिले तो लोग मिट्टी भी नहीं छोड़ते, यहाँ तो समर्थन का सवाल है। सरकार बनाने का हमारा जो क्लेम है वो हमने प्रस्तुत किया और इसमें सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा 7 निर्दलीय विधायक, ऐसे कुल मिलाकर 57 विधायकों का ये जो दल है एक सरकार बनाने का हमने दावा पेश किया, उसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है अगली सरकार बनाने का। कांडा कह रहा है कि निर्दलियों का जुगाड़ तो हमने किया और हम ही नहीं, ये कैसे होगा, हम तो हैं। अब गीता शर्मा खुदकुशी कांड का आरोपी कांडा बीजेपी के गले में कांटे की तरह अटक गया। तो लेके गए थे ना, उनको स्पेशल फ्लाइट करवाई थी, खुद उठवाया था। अब जवाब जब जनता मांग रही है तो इस तरह की बात कर रहे हैं, बैकफुट पे वो पहले दिन से आ गए। आज वहां पर एक बेटी के साथ बलात्कार करने वाले, आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले, और न सिर्फ बेटी बल्कि उसकी माँ को भी आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को अगर आप अपनी सरकार में शामिल कर रहे हैं या उसका समर्थन ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का हो नहीं सकता। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की तरह कभी कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी होती है, कभी चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, और अब गोपाल कांडा को अपना साथ लेने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की गंगोत्री बन गई है। देखिए, अगर दुष्यंत उनको सपोर्ट ना करते तो ये उनके साथ चले जाते, तब वो ये बयान नहीं देते। अब चूंकि दुष्यंत के साथ उनका समझौता हो गया, इसलिए वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी कांडा के नाम पर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि कांडा ने जो किया है उसकी कहानी है ही कमाल। उसकी तारीफ में कुछ शब्द। कांडा एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी है। कांडा पर गीतिका शर्मा की मां को भी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कांडा पर कई कंपनियों के खाते में घपला करके करोड़ों के बंदर बांट का भी आरोप है। ऐसे होनहार कांडा के खिलाफ 2012 में बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई थी। हुड्डा सरकार पर हमला बोल रही थी कि कांडा को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अब बीजेपी के लिए कांडा किसी कांड का नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कांडा को चार्टर्ड प्लेन की सैर कराना, उसे गले लगाना, उससे प्यार जताना उसे परेशान कर रहा है। ये इश्क के इजहार के बाद उसे अपनाने से इनकार कर देने जैसा है। बेचारा कांडा अब कोप भवन में बैठा हुआ है। आज तक ब्यूरो। समर्थन ले तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। खैर, अब खबर श्रीनगर से, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया। करण नगर पुलिस स्टेशन इलाके में अज्ञात आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और फिर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने तुरंत वहां पर मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा आतंकवादी भाग खड़े हुए। इस हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हुए हैं, इनमें से 2 को मामूली चोटें लगी हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं आतंकियों की धरपकड़ के लिए।
पूरे इलाके में छानबीन चल रही है। और खबरदार में अब हम आपको अयोध्या वाली दिवाली के दीदार करवाएंगे, जहां आज त्रेता युग जीवंत हो गया था। आज लगातार तीसरे साल अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई गई। वैसे तो अयोध्या की इस दिव्य दीपावली का हर रंग हर रूप प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर रहता है, लेकिन प्रमुख आकर्षण रहा सरयू नदी के किनारे 5,51,000 द्वीपों का प्रज्वलन, जिसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आने वाला है अब से कुछ ही दिनों के अंदर। ऐसे में सैकड़ों दिलों में बेचैनी है, लेकिन अयोध्या में आज जैसे उत्सव मना उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज अयोध्या की इस दिव्य और भव्य दीपावली और रामलीला के दर्शन जरूरी है। अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है, और उनकी पहचान और उनकी मर्यादा की रक्षा उस भाव के रूप में करना और ये दीपोत्सव का कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। राम जी जैसा कोई नहीं है। त्रेता युग तो किसी ने देखा नहीं, सिर्फ प्रसंगों में सुना ही है, लेकिन अयोध्या में ऐसा अद्भुत दृश्य आज के युग में आज से पहले न किसी ने सुना होगा न किसी ने देखा होगा। सरयू के किनारे पर 5,51,000 दियों से जगमगाती अयोध्या एक विश्व रिकॉर्ड बना रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कि हम अपने आयोजन को सामूहिक रूप से पर्यावरण की रक्षा करते हुए उसके पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपने संकल्पों को पूरा करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी के साथ मैं आभारी हूं अपने सभी पूज्य संतों का जो स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बनकर के आज भगवान राम के राजतिलक के साक्षी बने हैं, उनकी आरती को उतारा है। ये महाउत्सव है उस चिर लोकनायक श्री राम का जो भारत के जनमानस में बसे हैं। राम दरबार अयोध्या की ये दिव्य दिवाली कभी ना भूलने वाली है। राम नाम के दीपों से जगमगाती अयोध्या का ये अद्भुत दृश्य दुनिया लगातार तीसरे साल देख रही है, क्योंकि ये दृश्य है ही ऐसा कि नजर हटती ही नहीं। वैकुंठ से भी अच्छी पुरी के रूप में जिस अवधपुरी की कल्पना भगवान श्री राम ने अयोध्या के लिए की, आज अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। और उसी क्रम में आप सबके सत्य को जगाने के लिए कार्यक्रम यह मंच आपके बीच में यहाँ पर आया है। आप देखना 5 दिनों तक अयोध्या में यही जगमगाहट रहेगी। अब ये एक दिन का नहीं 5 दिन का आयोजन बन चुका है। तो ये है आज अयोध्या का रंग। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या की दिवाली कुछ यूं रंगारंग होगी। ये तमाम वो कलाकार हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग नृत्य लेकर के आए हैं, अलग अलग अपनी कलाएं लेकर के आए हैं। ये वो लोग हैं जो आज पूरे दिन अयोध्या में नाटकों का मंचन करेंगे, इनकी झांकियां निकलेंगी और पूरे अयोध्या में आज तरह तरह के जो रंग बिरंगे कार्यक्रम हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। सरयू के किनारे पर महाआरती, लोकनायक श्री राम की गाथाओं का महाउत्सव, अयोध्या में उसी तरह से दिव्य दिवाली मनाने की तैयारी हुई जिस तरह से 14 साल के वनवास और लंका विजय के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। श्री राम का पुष्पक विमान आज हेलीकॉप्टर था जिससे वो अयोध्या में उतरे। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार खड़ी थी। हेलीकॉप्टर वाले पुष्पक विमान से उतरकर श्रीराम की यात्रा और फिर मंच पर उस तरह से राज्याभिषेक जिस तरह से अयोध्या लौटने पर प्रभु श्रीराम का अभिषेक किया गया था, अयोध्या के मंच पर राम दरबार वाले प्रसंग को आज जीवित किया गया। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक के बाद बारी थी अयोध्या की उस दिवाली की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी। ये लगातार तीसरा साल है जब अयोध्या की दिवाली को दिव्य बनाने के लिए
दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और जब एक साथ 5,51,000 दिए जगमगाए तो पूरा नजारा राममय और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ पर जो हमारे बीच यहाँ पर दीप प्रज्वलन होना था, यहाँ पर एक एक करके सब इन दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। ये एक अद्भुत सा, एक जादुई सा माहौल यहाँ पर इस समय है। आप उन दियों से निकलने वाली, दीपकों से निकलने वाली जो हल्की सी खुशबू सी है वो पूरे इलाके में आपको इस समय एहसास ही बदल रही है। लेकिन यह अद्भुत 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 अविश्वसनीय अकल्पनीय दृश्य है जो इस समय राम की पैड़ी में, अयोध्या की राम की पैड़ी में हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि आज तक को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बनना चाहिए। क्या मैं एक दिया जला सकती हूँ? देखिए, देखिए इसमें एक एक दीपक अगर हम जलाते हैं, एक एक दीप अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो उस विश्व कीर्तिमान का जो हिस्सा है, हम कहते हैं कि समूचा हिंदुस्तान है, ये भारत के नाम एक कीर्तिमान है कि यहाँ पर इतने इतने दीपक। वर्षों बाद जो है ये देश में स्थिति हमारी वर्तमान सरकार लेके आई है। छोटी दिवाली पर अयोध्या का तट उसी तरह से जगमगा गया जिस तरह से प्रसंगों में भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद जगमगाती अयोध्या का बखान है। दीपावली के उत्सव की ऐसी तस्वीरें, ऐसी भव्य तस्वीरें हम सब अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं सरयू तट को ही अपना घर बनाकर लक्ष्मी आगमन के लिए, राम आगमन के लिए, प्रभु श्री राम के आगमन के लिए, क्योंकि हम अपने घरों में जब ये दीपक जलाते हैं तो उसकी मान्यता लक्ष्मी पूजन से जुड़ जाती है, लेकिन जब अयोध्या की दीपावली होती है तो अयोध्या की दीपावली में श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी, उनके आगमन के लिए ये दीपोत्सव हमेशा हमेशा से मनाया जाता आ रहा है। ये दिवाली वैसे भी अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए खास है, क्योंकि दिवाली के बाद राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और उस फैसले से करोड़ों दिलों की उम्मीदें जुड़ी है। लेकिन श्रीराम को केंद्र में रखकर इस तरह की बड़ी हलचल जिसमें कोई उत्तेजना नहीं बल्कि उत्सव है, ये अपने आप में अद्भुत और सराहनीय है। कुमार अभिषेक के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। और वैसे दीपावली अगर अयोध्या में नहीं मनाएंगे तो फिर कहां मनाएंगे? अयोध्या में लगातार तीसरे साल ऐसी दिव्य और भव्य दीपावली मनाने के पीछे सिर्फ योगी सरकार की प्राथमिकताएं ही नहीं है बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत लगाव भी है, जो अपने कार्यकाल में अब तक 18 बार अयोध्या आ चुके हैं और जब भी आए अयोध्या को विकास का कोई ना कोई तोहफा देकर ही लौटे। आज दिवाली के महाउत्सव पर भी उन्होंने अयोध्या नगरी को 226 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दिव्य दीपावली को राम राज्य की कल्पना से जोड़ा और किसी विवादित एजेंडे की जगह विकास के एजेंडे की बात की। राम की परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है और सचमुच जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के तापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो, ऐसा राम, ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है। पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं और 1.5 दर्जन बार आने का परिणाम है कि जब भी आता हूं तो आप सबकी कृपा से
पूज्य संतों की कृपा से और आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। आज 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी की पेड़ी में, पहले राम जी की पेड़ी में क्या व्यवस्था होती थी, पानी आता था वहीं पड़ता था, सड़ा सड़ा वहीं सड़ता था, लोग परेशान होते थे। अभी कल हम लोगों ने जब उससे प्रारंभ किया है, अब वह हर जी की पेड़ी की तरह ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी में भी आप स्नान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बीच के कालखंड में माता सरयू भी अयोध्या से दूरी जब बनाए रख रही थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि यहाँ के घाटों से सट करके अब सरयू मैया का आशीर्वाद भी अयोध्यावतपुरी को प्राप्त होने लग गया है। यानी ये संजोग है और उस संजोग को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी जो सात पवित्र नगरियां हैं, उन सात पवित्र नगरियों में तीन पवित्र नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया में इतना समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश किसके पास होगा, इतना समृद्ध आध्यात्मिक को किसके पास होगा, वैभव किसके पास होगा। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सानिध्य में इस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।